नमस्कार, मैं मधुसूदन और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव, खबर हमेशा सच। अब आते हैं आज की खबरों पर। एलजेपी में उत्पन्न घमासान के बाद आज कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें सभी अहम लोग आज इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में आज बहुत अहम फैसले लिए जाएंगे और आज की इस बैठक के बाद बहुत बड़ी बड़ी चीजें सामने आ सकती हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वीर जो है एयरपोर्ट पर आए, अच्छा ये क्या फैसला पहले हो गया था, क्या पहले हो गई थी, क्या फैसला हो गया था पहले राष्ट्रीय बता। लोक जनतांत्रिक पार्टी में जो विद्रोह देखने को मिला, अब वो चिराग पासवान बनाम पशुपति पारस हो गया है। जी हाँ, अब ये लड़ाई आर पार की हो रही है। एक तरफ चिराग पासवान जो कि अपने चाचा पर दगाबाजी का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं पशुपति पारस भी अपने दावे पर पूरी तरीके से खड़े हैं। उनका कहना है कि वो कहीं से गलत नहीं है, उन्होंने जो कुछ भी किया वो पार्टी की भलाई के लिए था। खैर, आज आपको बता दें, लोजपा में उत्पन्न घमासान के बीच आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज होने वाली है, जिसमें लोजपा सांसद वीणा देवी भी पहुंचेंगी। कार्यकारिणी के सदस्यों ने संविधान को देखकर बैठक शुरू कर दी है और इस बैठक में सभी अहम बातों पर आज फैसला होना है, और वो ये है कि चिराग पासवान ने संविधान के खिलाफ जाकर पार्टी से सांसदों को निलंबित किया। बताया जा रहा है कि पार्टी में उत्पन्न मतभेद की कहानी में बैठक के बाद कई बड़े मोड़ आ सकते हैं। खैर, कहानी जो भी हो, लेकिन इतना तो साफ है कि सत्ता का सुख ऐसा सुख होता है जब अपने भी अपनों का साथ नहीं देते। कोई भी किसी को दगा देने से पीछे नहीं हटता। ये कहानी आज की नहीं, ये कहानी हम कई बार देख चुके हैं कि राजघरानों में भी सत्ता को लेकर जबरदस्त फूट पड़ी है। फोर्थ पिलर लाइव से मैं मधुसूदन।